सब्सक्राइब कीजिए भारत के सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल लखेपुर टीवी को आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं और जड़ी बूटियों की अपडेट के लिए और बेल आइकन या घंटी बटन को दबाइए नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम। इंडिया में तो अच्छी खासी सर्दी हो चुकी है, पर यहाँ पर दुबई में तो अब तक सिर्फ नाम मात्र की ठंड है, वो भी सिर्फ रात के समय में। आज जिस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है अश्वगंधा पाक, जो मूत्र रोगों, प्रमेह रोग और वात रोग को दूर कर शरीर में बल वीर की वृद्धि करता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अश्वगंधा पाक, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका मेन इंग्रेडिएंट अश्वगंधा या अश्वगंध है, जिसे आयुर्वेदिक प्रोसेस अवलेह पाक निर्माण विधि से बनाया जाता है। इसमें अश्वगंध, गाय का दूध, रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, नाग भस्म, बंग भस्म, लाव भस्म के अलावा दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, इलायची, जायफल, केसर, वंशलोचन, मोचरस, जटामांसी, चंदन, खैरसार, जावित्री, पिपरामूल, लौंग, कंकोल, पाड़, अखरोट, शुद्ध भिलावा, सिंघाड़ा और गोखरू जैसी जड़ी बूटियाँ मिली होती हैं। अश्वगंधा पाक के गुणिया प्रॉपर्टीज आयुर्वेदानुसार यह बलवर्धक, अग्नि प्रदीपक, पौष्टिक और रासायनिक गुणों से भरपूर होता है। ये अब जान लेते हैं अश्वगंधा पाक के फायदे। परमेह और मूत्र रोगों को दूर कर यह शरीर की कांति बढ़ाता है। वीर्य दोष, स्वप्न दोष, धातु विकार या पेशाब के साथ वीर्य जाना जैसी प्रॉब्लम में इसका सेवन करना चाहिए। वातवाहिनी नाड़ी, वीर्यवाहिनी नाड़ी और किडनी पर इसका सबसे अच्छा असर होता है। हाथ, पैर, कमर या शरीर में कहीं भी दर्द हो वात वृद्धि के कारण, तो इसके सेवन से फायदा होता है। अश्वगंधा पाक की मात्रा और सेवन विधि 5 से 10 ग्राम तक सुबह शाम दूध से, शहद से या फिर पानी से भी इसे ले सकते हैं। क्योंकि इसमें कई तरह की भस्म मिली हुई है तो इसे डॉक्टर की सलाह से ही सही डोज में यूज़ करना चाहिए। 175 रुपया से 250 रुपया तक में इसका 200 से 250 ग्राम तक का पैक ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजन पर, जिसे आप खरीद सकते हैं। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भरोसा ही सब कुछ, लखेपुर टीवी, असली आयुर्वेद। तो दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो के बारे में कोई विचार हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह की दूसरी आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटी बटन को ज़रूर दबाइए, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आज की दी गई जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।